Yeah. ज़ वेलकम बैक टू माई चैनल आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं सिमरन आ गई नई वीडियो के साथ और आज मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर मार्केट जैसे कि ये चीज़ तो आपको पता चली गई होगी तो लेट्स गो चलते हैं और जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो तो मैं पहुँच गई हूँ मैंने एग्जिट ली है दो नंबर गेट से और इस बार मेरे साथ कुछ स्पेशल सा मोमेंट भी हुआ है बिल्कुल ही प्लान नहीं था बिल्कुल भी नहीं बट वो चीज़ हो गई है तो वो आपको देखने को मिल जाएगी तो चलते हैं पहले उससे पहले हम पटरी मार्केट में विजिट कर लेते हैं देखते हैं क्या क्या है और गाइज इतनी ज़्यादा गर्मी थी मतलब एक्सट्रीम लेवल में मतलब लाइक मई जून वाला जो दिन था उस समय मैं सरोजनी नगर गई हूँ बट इतना मुझे गर्मी नहीं लगी थी जितनी मुझे इस टाइम लगी थी मतलब लाइक लग रहा था चेहरे से नल चालू हो गया है जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा मतलब स्वेटिंग हो रही थी मतलब ओ माय गॉड अभी मतलब अगर आप जाने का सोच रहे हो तो आज तो फिर भी मौसम थोड़ा ठीक है बट जब मैं गई थी तो नहीं था ठीक बट आप देख के निकलना क्योंकि बिल्कुल भी मतलब तो इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है शॉपिंग करने में तो आप अपना देख के जाना आराम से क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी ये हो सके तो आप उसको मतलब प्लान को ड्रॉप ही करो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है बट उससे पहले आप देख लो कि सरोजिनी मन मार्केट में क्या क्या चीज़ें आई है और क्या क्या चीज़ें मिल जाएगी तो लेट्स गो तो सबसे पहले मैं ये डेनिम देखने ली रुकी थी डेनिम की प्राइस थी हंड्रेड जो मैंने मैंशन कर दिया है प्राइस भी मैं मैंशन करती जाऊँगी अगर मैं कभी नहीं बता पा रही हूँ तो मैं बोलती भी जाऊँगी और पे मुझे ये स्कर्ट्स मिले थे फिफ्टी रुपीज के स्कर्ट थे काफी अच्छा था था क्यूट सा स्कर्ट स्कर्ट मैंने तीन स्कर्ट ली थी से तो भैया ने मैंने बोला था भैया मुझे हंड्रेड का तीन स्कर्ट दे दो तो भैया मान भी गया, और हंड्रेड का तीन स्कर्ट मैंने ले भी लिया मतलब लाइक गुड डील बहुत ही अच्छी डील थी वो आपको मेरे हॉल में देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से डिजाइन लिए हैं मैंने और क्या क्या चीजें ली हैं मैंने वो चीज आपको मेरे सरोजनी नगर हॉल में देखने को मिलेगी और इस बार का हॉल आपको बड़ा मजा आएगा देखने में क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें ली है बहुत सारा चीज आपको दिखाना भी है मुझे तो अभी दिखाऊंगी मैं आपको हॉल में अब अभी भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी तो लेट्स गो चलते हैं और बहुत नई नई चीज़ें भी मैंने विजिट करी है जो आप बिल्कुल भी मतलब लाइक बहुत ही मज़ा आएगा तो तो ऐसे ही आगे बंदे रहो और वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखो काफ़ी मज़ा आएगा ये बैग सब बहुत ही सही थे मतलब यहाँ पे लंच वाला बॉक्स भी था मेकअप के लिए वैनिटी चाहिए वो भी थी और प्राइस था ओनली हंड्रेड रुपीज़ तो सौ रुपये का बहुत सारी चीजें मिल जा रही थी मतलब लाइक बहुत अच्छी चीजें थी लंच बॉक्स वगैरह भी था अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे पिटी प्रटी थे मतलब लाइक बैग्स वगैरह और ज्वेलरी का तो आपको पता ही है कि ज्वेलरी किस टाइप की मिलती है क्योंकि बहुत सारे लोग अब जाते भी है तो उनको पता भी है तो बीस बीस रुपए की होती है कोई पचास का होता है और ये वाले इसने पोल वाले ने क्लिपीसे होते हैं आपको बीस रुपये मिल जाएगा कुछ की प्राइस पचास रुपये होती है हेयर एक्सेस सीरीज भी मिल जाएगी तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है आपको पटरी में ही इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले आप पटरी की शॉपिंग कर लो बट फिर उसके बाद अंदर जाओ बट ऐसा होता है कि पटरी में तो इतनी गर्मी लगती है ना कि लोग सोचते हैं कि अंदर भागो अंदर भागो वो चीज़ तो है ही सच में बट मैं बहुत टाइम से मैंने पटरी की शॉपिंग नहीं की थी इसलिए आई थॉट कि आज पटरी का थोड़ा देख लेते हैं फिर मैंने वैसे ही गर्मी में पसीने में ही मतलब सोचा कि चलो देख लेते हैं एक बार कोई नहीं तो फिर मैं मतलब तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी सच में एक्सट्रीम मतलब कल ना मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही थी अजीब सी इतनी ज़्यादा और इस टाइप की बिकनी अगर अच्छा चाहिए तो आपको फिफ्टी रुपीज़ का मिल जाएगा काफ़ी प्रटिब्रिटीटी थे भैया के पास बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स भी थे बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी, चीज़ थी यहाँ पे फिफ्टी रुपीज़ का फिर मैं दूसरे शॉप पे आई यहाँ पे भी फिफ्टी रुपीज़ का बहुत सारे सारे मतलब तो लाइक ब्रालेट वगैरह बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी में बे बेच रहे थे और ब्रांड के टैक्स भी लगे होते हैं गाइस अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो और बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं इनमें और इस टाइप के सैटन शर्ट भैया बेचे थे पचास पचास रुपये का तो काफ़ी सही था इनके पास बहुत सारे कलर्स भी थे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी और इनके पास लेदर स्कर्ट भी थे तो एक जो ये मैम जो बगल में खड़ी हैं ये जो तो उन्होंने भी लेदर स्कर्ट परचेस करा था ये भी बहुत अच्छी थी जो उन्होंने परचेस करा था मैंने भी एक लेदर स्कर्ट लिया वो भी काफ़ी अच्छी थी वो सब मेरे को आपको हॉल में देखने को मिल जाएगा और ये वाले उसके बगल में लगा रखा था यहाँ पे बीस बीस रुपये का तो भैया बोलते बीस रुपये बीस रुपये तो बीस रुपये में यहाँ पर मतलब लाइक शर्ट वगैरह सब कुछ थी शर्ट भी था टॉप भी थी मिक्स चीज़ें थी यहाँ पर आपको देख देख के लेना होगा बहुत सारी मतलब लाइक एक स्पैगडी जैसी टॉप थी बहुत सुंदर है चीज़ें थी बीस बीस रुपए की थी मतलब सोच रहे हो बीस रुपए के भी मिलते हैं चीज़ें जब दस रुपए की चीज़ें यहाँ मिलती तो बीस रुपए की क्यों ना मिले फिर ये ये स्टेप के इयरिंग्स आपको पचास पचास रुपए की थी और नीचे वाली कोई कोई कम के थे बट काफी पट्टी पट्टी ईयर तो इस टाइप के आपको बहुत मिलेंगे नगर मार्केट में मतलब बहुत अच्छे अच्छे होते हैं सच में बहुत ही अच्छे अच्छे और इस टाइप की जूती वगैरह भी लगी हुई थी पटरी मार्केट में फ्लैट्स वगैरह लगे हुए थे इसका प्राइस था हंड्रेड रुपीज़ तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी बहुत ही सही सही चीज़ें मिल गई थी मुझे तो काफी अच्छी चीज़ें मिली थी और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हुई इतनी गर्मी के साथ भी उसके वजह से थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो मैंने इतनी सारी शॉपिंग तो करी मैं आ गई तो और ये वाला मैं मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रही हूँ इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे टॉप थे मतलब लाइक बॉडी सूट वगैरह के बहुत अच्छे टॉप थे मैंने जो परचेस कराया यहाँ पे ये यह सारे आइटम फिफ्टी रुपीज़ के थे काफ़ी अच्छे अच्छे पर्टी आइटम्स थे यहाँ पे मैंने जो परचेस किए वो भी मैं भी दिखाऊँगी यहाँ पे अगर आप को समझ आए वो टॉप अब नहीं तो मैं ऐसे हॉल में वेयर करके दिखा दूँगी आपको समझ आ जाएगा काफ़ी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे स्कर्ट्स वगैरह थे बहुत ही पीटी पिटी ड्रेसेस थी ये दी कि ने मुझे नंबर भी शेयर करा था कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो तो अगर आप आते हो नेक्स्ट टाइम तो यहाँ पे आपको नंबर भी अवेलेबल होगा तो मुझे मैंने उनसे बात नहीं की थी कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर नंबर डाल दूँ या ऐसा इसलिए मैंने नहीं अपडेट कराया इस टाइप की टॉप मैंने परचेज की थी वहाँ से तो ये वाला टॉप था जो मैंने लिया था वो पचास रुपये का टॉप था तो इसलिए मैंने दी का नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं करा है क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं था तो वो अच्छा भी नहीं होता कि बिना मतलब लाइक like, अल्स के आप उस किसी के नंबर वैसे वो करो पब्लिकली डाल दो इसलिए मैंने उसको अपलोड नहीं कराया नंबर अगर आप जाते हो नगर मार्केट तो ये दी हैं तो आपको वो दे देंगी मतलब अगर अगर आप नंबर लेना चाहते हो उन्होंने मुझे मतलब मैंने बोला भी नहीं था उन्होंने खुद से दिया था मुझे कि आप नंबर ले लो मेरा आते हो तो यहाँ पर ज़रूर आना मैं अलग अलग चीज़ें और भी लाऊँगी इस टाइप की तो मैंने बोला ओके आप दे दो फिर मैंने यहाँ से नंबर ले थी तो काफ़ी सही सही चीज़ें थी मैंने ये वाला टॉप परचेस करा था और यहाँ पे इनके पास बिकनीज वगैरह भी बहुत अच्छी थी आपको ज़... अगर इस टाइप की बिकनी अच्छी लगती है स्टोन वगैरह वाली तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो फिफ्टी रुपीज़ की काफ़ी अच्छी थी तो ये दी है बैठती है यहाँ पे तो वही कह रही थी और इनका इंस्टाग्राम चैनल भी है उन्होंने मेरे को शो भी करा था कि इंस्टाग्राम चैनल है मेरा अगर आप को कुछ ये हो तो आप यहाँ से भी मतलब ले सकते हो बट चलते हैं अब आगे की ओर बढ़ते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको और क्या क्या चीज़ें मिली है लेट्स गो गाइस वगैरह की प्राइस थ्री हंड्रेड का दो पीस था ये शॉर्ट थी यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी थी और डिज़ाइंस भी बहुत सारे अवेलेबल थे ऐसे नॉर्मली आप लेने जाओगे तो ये दो सौ का सिंगल देते हैं बट यहाँ पे आपको तीन सौ का दो मिल रहा था जो काफी अच्छा था अगर आप लेना चाहते तो आप ले सकते हो इस टाइप की क्लिप्स लेनी है तो आपको बीस रुपये का पूरा पत्ता मिलेगा यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे श्रग्स थे थी सैटन शर्ट भी थे फिफ्टी रुपीज़ का अवेलेबल था काफ़ी अच्छा मतलब क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी थी सैटन शर्ट की मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी आप भी पटरी मार्केट में चेक सकते हो किस टाइप की चीजें हैं यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे स्कर्ट्स वगैरह थे मतलब लाइक हाथ शॉर्ट्स वगैरह भी थी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी भी सही थी फिफ्टी रुपीज का था ये ओनली ये रेड स्कर्ट देख सकते हो कितना प्री लग रहा है ये वाला रेड स्कर्ट भी रेड स्कर्ट तो काफ़ी अच्छी थी मतलब लाइक इसके में शॉर्ट्स भी थी और स्कर्ट की तरह, तरह भी मतलब लुक वाइज स्कर्ट की तरह भी लगता और इस टाइप का लेदर स्कर्ट मैंने परचेस किया था एक ये भी फिफ्टी रुपीज़ का ही था जो काफ़ी अच्छा लगा बुक्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे जो भी चाहिए आपको बुक्स वो भी मतलब हंड्रेड हंड्रेड या टू हंड्रेड रुपीज़ इस टाइप की प्राइस होती है और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि फिर हम यहाँ पर खड़े हो गए थोड़ी सी हमने कुल्फी वगैरह खाई कि थोड़ा हमें अच्छा लगेगा फीलिंग अच्छा होगा बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमने कुल्फ़ी तो खा ली थी बट हमें कुछ अच्छा फील नहीं हुआ गर्मी वैसी ही थी और मेरा तो मेरे फ़ोन मेरा मतलब फ़ोन बोल रही हूँ मैं मेरा फैन भी इतना चार्ज नहीं था वो उसकी भी हालत आधे में ही ख़त्म हो गई और यहाँ पे इस आंटी के पास लाइक लिप नायलर वगैरह भी थे एक्सेसरीज़ वगैरह भी थी और इस टाइप की अगर आप कुछ आप टेडीवियर्यर्यर्स वगैरह ढूंढ रहे हो तो आपको सरोजी नगर मार्केट में मिल जाएगा हंड्रेड रुपीज़ ईच में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं यहाँ पर ये वाला शॉप भी काफ़ी अच्छा है मतलब लाइक सही है यहाँ पर भी अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट से मतलब लाइक टेडी टेडीवियर्स वगैरह होते हैं टेडी टेडीवियर्स भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें भी होती है अलग अलग डिज़ाइन के लाइक टेडी अलग अलग टाइप के भी होते हैं काफ़ी सही चीज़ें मिल जाती है और यहाँ पे आपको शर्ट एंड शर्ट वगैरह परचेज़ करनी तो वहाँ से कर सकते हो ये वाला सेक्शन था बीस रुपये वाला जो मैं पहले बता रही थी आपको बीस रुपये की चीज़ें मिल रही थी तो ये भी काफ़ी अच्छा था बट इस पर पे है कि मेहनत करनी पड़ेगी आपको कि अच्छे से ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए इस वजह से भी लोग ऐसा होता है कि पक्षी मांग को इग्नोर करके सीधा अंदर चले आते कि इतनी गर्मी में और वो सही बात भी है इतनी गर्मी है कि ये सब करने का मन ही नहीं करता सच बात है ये ये मुझे भी ऐसा फील होता है कि फिर मैंने फटाक से अंदर मतलब मैं चली गई थी सुरनी मार्केट के अंदर कि भागो जल्दी से और इस टाइप की अगर आपको किचन वगैरह चाहिए तो आपको मिल जाएगी लाइक पचास रुपए का सौ रुपए का अलग अलग प्राइस होती है तीस रुपए का भी होते हैं अलग अलग मतलब कोई कोई दो सौ का भी होता है इस टाइप का फिर मैं अंदर की ओर चली गई इतना तो ज्यादा गर्मी था मतलब लाइक वाओ माई गॉड और ये सारे ईयरिंग्स आपको ये वाला चीज़ तो पता ही होगा जो सरोजिंग वगैरह में शॉपिंग करते हैं उनको तो ये वाला पता ही होगा यहाँ पे सारे ईयरिंग्स आपको फिफ्टी रुपीज़ के मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल एंट्री के पास ही यहाँ पे लगा होता है कोने पे जो काफ़ी सही होता है यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है ईयर ये में ईयरिंग्स के मामले में बहुत पीटी पटी ईयरिंग्स होते हैं इनके पास और एक ये वाला शॉप है जो ये भी मतलब बिल्कुल एंट्री गेट के पास है यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे डिजाइनर मतलब ईयरिंग्स होते हैं गोल्ड में होता है मतलब बहुत सुंदर होते हैं मतलब स्थेटिक टाइप के बहुत ही पिटी पिटी मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं पर्सनली आप भी देख सकते हो यहाँ पे और इसकी प्राइस भी मतलब एक हंड्रेड रुपीज़ वन फिफ्टी इस टाइप की प्राइस होती है और इधर एक्सेसरी होती है जंग ज्वेलरी वाली इधर होती है तो वो भी काफ़ी सही होता है फिर हम मैं इस तरफ इस तरफ भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी तो यहाँ पर भी आप ऐसे विजिट कर सकते हो यहाँ पर आपको ड्रेसेस वगैरह लेनी है दूसरी टाइप की अच्छी टाइप की सूट्स वगैरह लेने तो आपको इस लेन में मिल जाएगा फिर मैं इस लेन में मैं नहीं गई थी मैं दूसरे लेन से गई थी फिर हम यहाँ पर गए थे यहाँ पर पचास रुपये का पूरा व्हाइट व्हाइट वाला जो यहाँ पे सेक्शन होता है वहीं पर हम वाइट शर्ट वगैरह देखने लगे थे यहाँ पर फिर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फिर मैं इस ले हमेशा मैं इस लेन से ही जाती हूँ अगर आपको समझ आ रहा होगा तो अगर आप पूछते भी रहते हो कि इस कौन से लेन में वो ज्वेलरी वाला शॉप है तो ये इसी लेन में है ज्वेलरी वाला शॉप जहाँ पर अभी मैं जाऊँगी भी और जो मैं कह भी रही थी कि बहुत अच्छी सी चीज़ हुई है वो अभी आपको देखने को मिल जाएगी थोड़े ही देर में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई थी वो भी फ़र्स्ट टाइम था मतलब लाइक फर्स्ट टाइम नहीं सेकेंड टाइम था बट सरोजनी नगर मार्केट में ये फर्स्ट टाइम था मेरे साथ जो चीज़ हुई है तो देखते रहो आप वेट करो बस होने ही वाला है थोड़े देर मैं भी मतलब लाइक like, सॉक्ड थी कि मतलब सच में ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ मतलब लाइक like, अच्छी वाली फीलिंग थी मतलब सच में अच्छी वाली फीलिंग थी तो बढ़ते हैं आगे की ओर पहले अभी देख लो आप मार्केट का फिर मैं उस पर कंटिन्यू करूँगी काफ़ी अच्छा मूवमेंट था वो मतलब लाइक सच में बहुत अच्छा था तो ये सब के ड्रेसेस आपको यहाँ पे मतलब लाइक टू टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड इस टाइप की ड्रेसेस थी लगी हुई टॉप आगे लगा था और इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि थी थी तो बड़ी जैसी हालत हो गई थी और ये वाला मतलब लाइक सेक्शन है जो मेरा ज्वेलरी का फेवरेट वाला शॉप है ये वाला तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और प्रटी ज्वेलरी मिल जाएगी जो भी आप इंस्टाग्राम पर देखते हो जो भी पेंडेंट वाले रिंग्स वगैरह जो देखते हो इतने प्रटी सेलिब्रिटी जो वेयर किए होते हैं रिंग्स वगैरह जो सभी मतलब एक स्थेटिक्स सी बहुत ही पिटी सा फिंगर्स में लुक आ जाता है उस टाइप की भी रिंग्स थी इनके पास इयरिंग्स तो मतलब लाइक पूछो मत इतने प्रटी इयरिंग्स होते हैं मतलब तो गाइज मैं ये बताने वाली थी कि एक सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आए थे मतलब वो सडनली उनको भी बिलीव नहीं हो रहा था तो आप देख लो खुद से वही मैं मैंने मैं बहुत मैंने सबका वीडियो देख रही हूँ और बहुत अच्छा सलूशन दे रहे हो आपने सारा पूरा सोच किया रिसर्च किया आपने जो जो भी दुकान बताया ना मैंने सारा नोट डाउन कर दिया था और वही दुकान से आ रही होगी अच्छा लग रहा है हाँ मैं सोच रही थी कि काश दीदी मुझे दी एक बार <laughs> देख ली उनको बहुत खुशी हो जाएगा बहुत खुशी हो आपसे थैंक यू सो मच आप ऐसे यूट्यूब हाँ, जीज़े, जीज़े। तो गाइज ये हुआ था मेरे साथ और आई एम सो सो ओवर मेल राइट नाउ मतलब इतना अच्छा फील हुआ था थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इतना अच्छा अच्छा बोलने के लिए एंड थैंक यू सो मच सीज फ्रॉम कर्नाटका गैस का चलो बढ़ते हैं आगे की और तो लेट्स गो गाइज और ये वाले रिंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो देख सकते हो तो कितने प्रटी और कितने स्थेटिक ओ माय गॉड इस टाइप के आपको काटियर के काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे और इस टाइप के, के अगर आपको लाइक पेंडिन वाले चेन चाहिए देख सकते हो तो कितने प्रटी प्रटी है बहुत सारे वराइटी थे यहाँ पर और इनका प्राइस था टू हंड्रेड तो सस्ता बिल्कुल नहीं मिलता है कुछ हंड्रेड के होते हैं कुछ टू के होते हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी थी इतनी ज़्यादा और भैया भी फिर मेरे से बात करने लगे कि आप यूट्यूबर हो क्योंकि यहीं पर आए थे वो और वो पूछ रहे थे कि आप लाइक वो आई थी तो उन्होंने बोला था कि मतलब यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ ऐसे करके तो सबको पता चल गया था तो वहाँ पे भैया पूछ रहे थे मुझसे तो उन्होंने मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब करा और काफी ज्यादा बो, अच्छा बोल भी रहे थे वो तो इससे मतलब लाइक बहुत अच्छा मूवमेंट हो गया था मतलब बहुत ही अच्छा लगा था इस बार सरोजी नगर जाके इतनी गर्मी थी बट कोई नहीं थोड़े अच्छे अच्छे मूवमेंट्स भी हो गए तो ये इलेवेंथ एलेवेल में आपको भी पता होगा कि इंस्टाग्राम पे कितना कॉस्टली मिल रहा है और वो बो वाला भी बहुत ही कॉस्टली जो मैंने आपको दिखाया था बट यहाँ पे आपको वो टू हंड्रेड रुपीज़ का मिल जाएगा जो काफी प्रिटी और काफी सुंदर मतलब क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी लग रही थी राइस तो मुझे तो काफी अच्छा लग रहा था मैं दोनों में कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा लूँ कौन सा लूँ बट वो आपको हॉल में दिख जाएगा कि मैंने कौन सा लिया है तो चलो चलते हैं आगे और मैं बोलूँगी कि आप यहाँ पे आके जरूर परचेस करना हमने फिर साथ में शॉपिंग भी करी थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे हमने खरीदी भी और मैंने बताया भी यहाँ पर कि कौन सी कौन सी यहाँ पर चीज़ें अच्छी मिल जाती है तो उनको भी काफ़ी हेल्प हुई वो मतलब उससे पर्सनली वहाँ पे पूछ रहे थे कि वन शॉप नंबर किधर है फिर कहाँ पर अच्छी चीज़ें मिल जाएगी लाइक ब्लेजर काइंड ऑफ उनको लेनी थी ये सारी चीज़ें तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स हो गई कि मतलब चलो को इसी को मतलब लाइक वो बहुत अच्छे बोल रहे थे कि मेरा बहुत काम आया जैसे आपने सुना भी होगा तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट था तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग मी और इतना अच्छा मतलब बोलने के लिए करने के लिए थैंक यू सो मच और इतनी ज्यादा गर्मी थी इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी थी कि मतलब पूछो ही मत फिर मैं आगे निकल गई अपना फिर यहाँ पे ऐसे ईयरिंग्स मिल रहे थे लाइक फिफ्टी रुपीज़ के थर्टी रुपीज़ के इस टाइप के ईर थे फिर चलो चलते हैं अब शॉप्स की ओर जो शॉप मैंने फेमस कर रखी है उधर चलते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो यहाँ पे आपको जो मीसो पे मिलते हैं चार्जर कवर्स वगैरह वो भी मिल जाएंगे काफ़ी प्रठी प्रठी कवर्स मिलते हैं यहाँ पे बहुत ही स्थेटिक बहुत ही सुंदर सुंदर कवर्स होते हैं मुझे तो काफ़ी अच्छे थे पर्सनली और इसका प्राइस भी ऐसी होता है लाइक दो सौ तीन सौ इस टाइप का प्राइस होता है यहाँ पे तो आपको यहाँ पे कवर्स वगैरह भी मिल जाएंगे वॉचेस भी मिल जाएगी आपको मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में आपको वॉचेज़ किस टाइप के मिलेंगे और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मतलब जो चार्जर पे कवर वाले बहुत स्टाइल चला हुआ है इस टाइप का आपको चार्जर का कवर भी मिल जाएगा अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो सन ग्लासेस तो मतलब ओ माय गॉड देख सकते हो ये वाला देख लो आप क्योंकि तो बहुत ही ऑसम लग रहा था मतलब लाइक वो कूल बहुत ही अच्छा लग रहा था मतलब लाइक like, वाह wow, आप ले सकते हो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे चश्मा भी आपको बहुत सारे वैरायटी में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी होती है जो आपको मिल जाएगी काफ़ी कुछ होते हैं सरोजी नगर में जो सच में बहुत ही प्रटी और बहुत ही सही सही चीज़ें होती है जो चीज़ नहीं होती है ठीक वो मैं बता भी देती हूँ और यहाँ पे आपको वॉचेस भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रहे थे मतलब लाइक ये वाला वॉच मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था इसके कलर्स भी अवेलेबल थे यहाँ पे लाइक सिल्वर था ब्लैक था ब्लू कलर के भी अवेलेबल थे मैं आपको इसको वेयर करके भी दिखाऊंगी काफ़ी अच्छा भी था मतलब लाइक पतले हाथों तो में भी जैसे मेरा हाथ काफ़ी पतला है मेरी रिस्ट बहुत पतली है तो उस पर भी आ जाएगा ईजिली आपको कटवाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें मैगनेट होता है तो चेन मैगनेट के साथ होता है वो आराम से ईजिली कैरी हो जाता है और इसमें सिर्फ टाइम शो कर रहा था ये वो उस टाइप का नहीं है जो उस टाइप की होती है ना थोड़ी वो वाली वो अरती था ना इसमें सिर्फ टाइम शो कर रहा था अगर आपको लेना है तो यहाँ पे और भी वॉच थे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कॉर्नर में फिर हम वहाँ पे आगे डेनिम में लास्ट टाइम जो हम डेनमिन ले थे वो हमें चेंज करना था इस वजह से क्योंकि हमें बड़ा हो गया था तो अच्छा मतलब मेरी सिस्टर को बड़ा हो गया था तो इसलिए हम यहाँ पे आए थे यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छी वैराटी होती है डेनिम की अगर आपको चाहिए तो आप इस शॉप पर आ सकते हो काफ़ी प्रटी और काफ़ी सही होता है तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई थी और जो आपने पूरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं एक करटे लेके घूम रही हूँ आप हवा किए जा रही क्योंकि मेरा फैन भी चार्ज नहीं था तो मैंने कर्टन इसी भैया की दुकान से लिया था बोलते भैया दे दो दे दो तो उसने मुझे सूज का ढक्कन दिया था मैं उससे ही हवा कर रख के जा थी, इतनी ज्यादा गर्मी थी मतलब कुछ चाहिए था फेस पे जिससे मतलब हवा मिले फेस पे तो इस टाइप की कागो पैंट्स आपको मिल जाएगी लाइक थ्री हंड्रेड थ्री फिफ्टी यहाँ का थ्री फिफ्टी का सेल ही लगा था बट थोड़े थोड़े आगे जाओगे तो उससे भी कम में आपको मिल जाता है तो आप जाके ले सकते हो फिर मैं इस शॉप पे आई इस शॉप पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थी स्कर्ट्स वगैरह बहुत अच्छे अच्छे थे यहाँ पे डेनिम वगैरह थी बहुत अच्छी वैरायटी थी जैकेट्स थे बहुत ही चीज़ें है कि आप देख सकते हो स्कर्ट्स आपको चाहिए तो इस, तो इस टाइप के स्कर्ट्स मिल जाएगी डेनिम थी शॉर्ट्स थी बहुत अच्छे अच्छे थे मतलब डेनिम के कोट्स भी थे बहुत ही प्रटिप्रीटी मतलब लाइक स्टार्टिंग में भी आप देखोगे पैंट्स वगैरह भी थे बहुत ही अच्छे अच्छे जो इस टाइप के फैब्रिक की होती है उस टाइप के पैंट्स भी थे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे शॉप पे क्वालिटी बहुत अच्छी थी ये पैंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी फैब्रिक की मतलब लाइक बहुत ही अच्छा था सच में आप यहाँ से परचेज कर सकते हो इजीली काफी अच्छी वरायटी थी स्कर्ट्स के तो बहुत सारे वरायटी थी अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो अभी जो एंड में जैकेट मिला था देखने के लिए वो हाफ वाला वो बहुत ही प्रटी था उसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था फिर मैं आगे वन नाइनटी फोर शॉप नंबर पर यहाँ से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ली है काफ़ी अच्छी अच्छे टॉप में यहाँ पर मिल जाते हैं तो आप आके यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर थोड़ा फ़ैन भी था तो थोड़ा सा राहत मिल रहा था बट यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग बैठे थे और कोई भी कस्टमर नहीं था तो मेरे को थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि मैं ही सिंगल पीस यहाँ पर हूँ कस्टमर एक बट कोई नहीं हमें सो सामान लेना है हमें सामान लेने से मतलब है हम लेके फटाक से निकल जाते हैं यहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा कभी ज़्यादा के अभी आइटम मिल जाएंगे स्क्रीन का भी आइटम मिल जाएगा बहुत सारे टॉप में मिल जाते हैं डेली यूज के लिए तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है यहाँ पे इस शॉप पे काफ़ी ज़्यादा आइटम होती है अगर आप चाहो तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो बहुत अच्छी भी वैरायटी होती है फैब्रिक की क्वालिटी वगैरह भी अच्छी होती है यहाँ पे डेनिम शॉर्ट्स अलग अलग शॉप मतलब लाइक अलग अलग कॉर्नर पे अलग अलग भैया बैठे हुए हैं एक का नहीं है ये मतलब अलग अलग आपको पता होगा वहाँ पर कैसी सेल होती है किस टाइप का होता है तो वैसा सिस्टम था यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई थी मैंने ली भी थी बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम मैंने यहाँ पे दिया था क्योंकि मुझे टॉप चाहिए थी इसलिए मैंने यहाँ पे आई थी तो चलो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या लिया मैंने ऐसी चीज मिल जाती है इस वन नाइनटी फोर शॉप नंबर में तो आप उस शॉप को जरूर विजिट करो मैं हमेशा बोलती हूँ क्योंकि क्यों यहाँ पे चीजें बहुत अच्छी मिल जाती है नो डाउट यहाँ पे टॉप वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं बाहर भी लगे होते हैं ये सारे टॉप देख सकते हो आप बिल्कुल इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ टॉप भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा ईजिली और काफी अच्छे प्राइस में मैंने तीन टॉप लिए थे यहाँ से काफ़ी अच्छे प्राइस में पड़ भी गया था बहुत ही मज़ा आ गया था तो हमेशा आप जब भी जाओ तो बागेन जरूर करना तो काफ़ी ज़्यादा पैसे देके मत चले जाना मतलब लाइक एक दो एक टी शर्ट का दो सौ ढाई सौ ऐसे देके कभी मत आना क्योंकि यहाँ पे इससे भी कम हो सकता है तो आप अपने अकॉर्डिंग बागेन कर सकते हो जितना आपको लगे आप उस टाइप का बागेन करो बाकी मैंने आपको आइडिया दे दिया है तो आप उस टाइप की शॉपिंग कर सकते हो बड़ी इजीली तो मैंने ले ली थी टॉप फिर मैंने पेमेंट कर दिया एंड देन फिर मैं गली दूसरे शॉप पर तो ये शॉप भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर आपको ड्रेसेस लेने हैं नाइट सूट्स लेने हैं बिल्कुल ही ज़ारा के ड्रेसेस मिलते हैं यहाँ पर और के शर्ट्स भी जो उसमें जर्कन जर्कन का काम होता है उस टाइप के भी शर्ट मिलते हैं यहाँ पे तो काफी प्रिटी और काफी खूबसूरत लगता है वो और इस टाइप के सेट वगैरह भी काफी ज़्यादा आए हुए थे डिजाइन वगैरह थी बहुत अच्छे अच्छे वराइटी थे प्रिंट्स बहुत बहुत ज्यादा थी यहाँ पे और ये वाली फ्रॉक मुझे काफी अच्छी लगी थी एक ये वाला और एक वाइट कलर का था इस फ्रॉक का प्राइस आई थिंक थ्री हंड्रेड या फोर हंड्रेड बोल रहे थे भैया और एक और वाइट कलर की थी लॉन्ग फ्रॉक वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी उसका प्राइस सेवन हंड्रेड बोल रहे थे अभी पता नहीं वो कितने का देते अगर बार्गिन करते तो देख देते वो आराम से ये वाला शर्ट का मैं कह रही थी जर्कन का जिसमें वर्क होता है बहुत ही प्री लगता है वो वाला शर्ट और इस टाइप की ड्रेसेस भी अवेलेबल थी अंदर में इस मतलब इस वाले शॉप पे भी काफी अच्छी चीज आपको मिल जाएगी आप यहाँ भी आके देख सकते हो मतलब जैसे कि आपको मैंने आइडिया दे दिया है कि कौन कौन से शॉप पे जा सकते हो तो अगर आपसे हो तो आप इस शॉप पे विजिट करो क्योंकि काफी अच्छी चीजें मिल जाती है इसलिए मैं उसको रिकमेंड करती हूँ क्योंकि प्राइस भी काफी अच्छी होती है और थोड़ा सा कम वम भी हो जाता है तो आपको काफी हेल्पफुल होगा इसलिए मैं आपको सोचती हूँ कि आप भी ले लो फिर मैं पहुंच गई अपने फेवरेट शॉप पे 191 गाइस और इस बार है मेरे पास एक सरप्राइज यहाँ पे तो अभी तो आप स्टार्टिंग में आगे तो अंदर की ओर अंदर में ये कोने पर लगाते हैं ये वाले जहाँ से मैं कॉर्टसर्ट वगैरह परचेस करती हूँ और इस साइड बगल में जैकेट वैकेट मिलती है डेनिम की बहुत ही अच्छी होती है क्वालिटी वगैरह भी तो इस शॉप के लिए मेरे को काफी कमेंट आ रहे थे कि आप यहाँ के नंबर मुझे जरूर मैंशन करोगे कॉन्टैक्ट नंबर मुझे चाहिए यहाँ पे तो गाइज फाइनली मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है भैया का सॉरी अंकल का तो वो आपको दे मतलब लाइक आप उसको उनको प्रोवाइड कर देंगे वो अगर आपको मतलब कॉल करो आप उनको आपको फ़ोटोज़ वगैरह चाहिए या आपको कुछ पार्सल चाहिए ऑनलाइन आपको करवाना है तो वो आपको ईजिली हो जाएगा क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं ऐसे करता भी हूँ और भी लोग आए हैं जिनको मैंने नंबर दिया है और ऐसे हो जाता है तो काफ़ी सही है आप यहाँ पर आके कर परचेज कर सकते हो और मैं नंबर मैंने मैंशन कर दिया वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा नंबर तो काफ़ी मज़ा आएगा और गई ये देखो ज़ारा कि टैग लगी हुई ब्रांड मतलब न्यू कपड़े भी हैं इनके पास अभी दो दिन में और नया माल भी आने वाला है तो आप चाहो तो आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो बिल्कुल ही मतलब सच में वो वहां की थी प्रॉपर जारा की टैग लगी हुई सब कुछ था प्रॉपर और ये ड्रेस भी मैंने ज़ारा पे देखी है इस टाइप की ड्रेसेस भी इनके पास होती है ज़ारा की तो काफ़ी बर्थडे गर्ल के लिए तो काफ़ी पर्टी है अगर आप कहीं जा रहे हो ट्रिप वगैरह पे तो यहाँ पे भी ले सकते हो बस एक बार ड्राई क्लीन कराने की नीड है क्योंकि थोड़ा सा सुरंक हो जाता है ये कपड़ा वो रखते हैं उस टाइप से बाकी ये बहुत ही पिटी लग रही थी ये वाली ड्रेस भी और लाइलक वाली भी लाइलक वाले में भी स्टीम प्रेस की नीड थी बाकी बहुत ही खूबसूरत था ड्रेस और बहुत ही पिटी और बिल्कुल ही ऑरिजिनल था वो वो ज़ारा का अगर मुझे जारा की ड्रेसेस की फ़ोटोज़ अगर मिल गई तो मैं यहाँ साइड में लगा दूंगी ताकि आपको समझ आ जाएगी कौन सी ड्रेस थी ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे इनके पास ज़्यादा कि ड्रेस की वो दिखा रहे थे मुझे ब, मतलब और भी ऑप्शन तो मुझे तो काफ़ी सही लग रहा था मतलब लाइक वाह इनके पास तो सारे और मेरे साइज़ का तो बिल्कुल ही नहीं था सारे बड़े बड़े साइज थे अगर वो लाइलेक वाला ही बस मेरे साइज का था तो आप चाहो तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो गाइज मैं तो बोलूँगी कि, कि आप यहाँ से परचेस करो क्योंकि यहाँ पे इनके पास वरायटी बहुत होती है इस बार मैंने ड्रेसेस भी ज़्यादा देखे अभी कॉर्डसेट का भी नया माल आने वाला कह रहे थे वो दो दिन में भी आ जाएगा तो अभी मतलब लाइक मैं गई हुई थी वेंसडे को तो आपको मतलब लाइक फ्राइडे या सैटरडे विज़िट कर लेना चाहिए तो ताकि नया माल आए और नई चीज़ें आप लेके जाओ और वो कह रहे थे ज़ारा की ड्रेसेस भी आने वाली है तो आप जाके विजिट कर सकते हो मुझे लाइलैक् वाला बहुत अच्छा लग रहा था बट ये भी एम साइज़ का था मुझे स्मॉल साइज़ आता है इसलिए मैं इसको परचेज़ नहीं कर पाई क्योंकि इस पर मतलब लाइक like इसको बस्ट एरिया को मतलब लाइक like वो नहीं हो पाता बहुत ही बड़ा लग रहा था तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ नहीं करा बाकी ये बहुत ही अच्छा था अंकल कह रहे थे कि आ जाएगा बट मुझे पता था कि ये मीडियम साइज़ का ये मुझे नहीं आएगा और ये टैग वैग्स बहुत ही प्रॉपर लगे हुए थे वो नए वाले बिल्कुल ही प्रॉपर तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था कि वहाँ का नहीं है तो बहुत ही सही था ये वाली वैरायटी बहुत अच्छी थी इस शॉप पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको मतलब जो बगल में शॉप है वहाँ पर भी डेनिम की इतनी ज़्यादा वरायी है फिर यहाँ पर भी कॉट सेट वगैरह है बहुत ही पिटी पिटी से आपको यहाँ पर मिल जाएगी चीज़ें बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर शॉपिंग करके तो मैं यहाँ ज़रूर आती हूँ फिर मैंने यहाँ से एक टॉप परचेज़ की थी जो आपको मेरे हॉल में देखने को मिल जाएगा तो चलो कंटिन्यू करो और देखो आप क्या क्या मैंने चीज़ें देखी और क्या क्या शॉपिंग करी है तो लेट्स गो बहुत सारे ब्रांड के इनके पास अवेलेबल होते हैं लाइक सीन के होते हैं ज़ारा के होते हैं फैशनोबा के होते हैं प्रटिल लिटिल थिंग्स के होती है बहुत ज़्यादा वैरायटी होते हैं इनके पास अवेलेबल तो अब यहाँ से आके परचेज़ कर सकते हो इनके पास एच एन एम के ड्रेसेस भी होते हैं तो अभी नया माल आने वाला है अगर आप चाहो तो आप जाके परचेज कर सकते हो तो अभी जो इस इस शॉप का जो वीडियो एंड होगा वहाँ पर आपको नंबर भी मैंशन हो जाएगा तो आप नंबर जाके देख लेना और आप कॉल करके भी उनसे बात कर सकते हो और उनसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो टॉप वगैरह अगर आपको चाहिए ड्रेसेस वगैरह चाहिए तो काफ़ी अच्छे इनके पास इमेजेस भी होते हैं तो ये शेयर इजीली अच्छा और भी एक नया मिलेगा वो भी मतलब फेवरेट हो चुका है जो मुझे इतना मजा आया था मैंने वहाँ से टॉप भी लिया था और मैं आपको दिखाऊंगी भी हॉल में कि कितना इंटरेस्टिंग और कितनी अच्छी वराइटी मैंने परचेस की है वहाँ से मतलब लाइक ब्रांड न्यू मतलब लाइक प्रॉपर जारा का टैग जारा का तो यहाँ से यहाँ पर मैंने भैया से नंबर ले लिया है और मैं गाइज नंबर भी मेंशन कर दूंगी तो अब आप खुश हो जाओ क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहा था मुझे कि उस शॉप का नंबर प्लीज़ प्रोवाइड कर दो नंबर प्रोवाइड कर दो तो लो गाइज़ फाइनली मैंने नंबर ले लिया है और मैंने नंबर भी डाल दिया है तो आप जाके एंजॉय करो और शॉपिंग करो आराम से इजीली ईजी बाय हो जाएगा आपके लिए ऑनलाइन घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हो मैंने पूछा था भी उनसे कि आप ऑनलाइन भी करवा देते हो तो वो कहते हैं कि हाँ मैं ऑनलाइन भी करवा देता हूँ तो गाइज़ आप जाके ले लो अगर डेली के हो तो फिर तो सरोजनी नगर मार्केट ही जाके ले लो वो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि सामने से चीज़ें देख लोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है बाकी अगर आपको वो देखने के डिज़ाइन क्या हैं इनके पास तो वो आप फोन के थ्रू देख सकते हो तो काफ़ी सही हो जाएगा आपके लिए तो ये चीज़ें मैंने कर ली थी काफ़ी कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने बोला चलो एक बार पूछ ही लेते और देख ही लेते हैं नंबर है कि नहीं है और ये वाला शर्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला वाइट का पूरा सेक्शन था तो काफ़ी सही था चप्पल्स वगैरह मिल जाते हैं फ्लैट्स वगैरह बट मैं यहाँ के हील रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे हील अगर आपने स्टार्टिंग के ब्लॉग देखे होंगे मैंने शो नगर करके तो यहाँ से मैंने हील परचेज की थी दो बहुत जल्दी ही खराब हो गया था तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि यहाँ से हील खरीदो आप और मेरी सिस्टर ने से एक और सेट परचेस किया था पिंक कलर का तो वो भी काफी सही था वो आपको मैं अपने हॉल में दिखा दूंगी क्योंकि मैं अपनी सिस्टर जो परचेज करती हूँ वो भी अपने हॉल में दिखाती हूँ क्योंकि सब सारे सरोजिनी अगर मार्केट के होते हैं तो दिखाना तो बनता है इसलिए मैं वहाँ का भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी और ये जो सामने में शॉप दिख रहा है आपको इसी शॉप की मैं बात कर रही थी जो मेरा फेवरेट हो चुका है इतने अच्छे अच्छे आइटम होते हैं इनके पास मतलब लाइक वाव अभी आप देखोगे आप खुद ही बोलोगे मतलब क्या है ये इतना प्रटी चीज़ें इतनी सही चीज़ें कैसे मिल जा सकती है यहाँ पे मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था बिल्कुल ही जारा के सारे टॉप मैंने परचेज करे इतने इजीली और इतना मज़ा आ गया शॉपिंग करके ये वाला टॉप देख लो वो जो था और मैंने ये कर... बहुत सारे सा... मैंने तो सा बहुत सारे टॉप लिए हैं जो आपको मेरे हॉल में देखने को मिल जाएगा बाकी मैं और भी चीज़ें यहाँ की इस शॉप की दिखा दूंगी जो आपको देखनी चाहिए और जो आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी मतलब लाइक वाव यहाँ स्टफ़ इतना अच्छा था मतलब आपको कैमरे में भी देख के लग रहा होगा कि स्टफ़ कितना अच्छा है मतलब लाइक वाओ आपको इस टाइप की चाहिए मतलब बहुत सारे यहाँ पे सीन की वैरायटी थी जारा की वैरायटी थी प्रिटिल थिंग की वैरायटी थी फैशन नोवा की वैरायटी थी बहुत ज्यादा वैरायटी थी अब मतलब मुझे ये ऑरेंज वाला तो इतना मज़ा आता देख के बट ये साइज बहुत बड़ा था मतलब लाइक एक्सट्रीम बड़ा था वीडियो में नहीं दिख रहा बट बहुत ही बड़ा था इसलिए मैंने इसको परचेज नहीं करा था वैसे ये मुझे बहुत ही अच्छा था ये वाला टॉप मतलब आपको भी अच्छा लग रहा होगा आप देख सकते हो कितना प्रटी है मतलब वाह बहुत ही सुंदर सुंदर टॉप वगैरह थे यहाँ पे अवेलेबल अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो यहाँ पे आके परचेज मैंने शॉप नंबर भी मेंशन कर दिया है काफी सही सही चीजें थी शॉप नंबर था 104 जीरो फोर यहां पर और भी चीजें अवेलेबल है अंदर जाके आपको डेनिम वगैरह मिल जाएंगे शॉर्ट्स मिल जाएगी डेनिम स्कर्ट्स मिल जाएंगे आपको स्वेटर्स वगैरह भी मिल जाएगी यार सरोजनी नगर मार्केट में काफी कमेंट आ रहे थे कि विंटर कलेक्शन मिल जाएगा तो ये गाइज विंटर कलेक्शन भी मिल जाएगा सरोजी नगर मार्केट में आप जाके परचेज कर सकते हो और आगे की वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट पार्ट टू ब्लॉग में तो उसका भी देख लेना उस पर बहुत सारी चीजें नई नई चीजें आने वाली है जो आपको मिलेगी देखने को और इस शॉप पर जरूरी विजिट करो यहाँ पे इतने अच्छे आइटम्स होते हैं मतलब लाइक प्रॉपर

फटाफट से सब्सक्राइब कर दो गाइस तभी तो पता चलेगा कि नई वीडियो कौन सी आई है और कौन सी आपको देखनी चाहिए तो बहुत ही मज़ा आया तो बहुत ही एंजॉय करो और जो वो मूवमेंट हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ और गाइस जो मुझे पांच कमेंट अच्छे लगे वो मैंने अपलोड कर दिया है वो आपने देख भी लिया होगा तो ऐसे ही कमेंट करना मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ करने वाली हूँ तो ओके बाबाई मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में